इस वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एलिप्स, दैट इज ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट एंड लेटेस्ट रेक्टम. ठीक है, तो अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे हम एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा एलिप्स हो गया, दैट इज एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन. ये हमारा कोई फोकस है एस ए ई कॉमा जीरो, एंड ये कोई लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर. तो ये पी कोई पॉइंट है ऑन एलिप्स, पी डैश भी ऑन पॉइंट ऑन एलिप्स, और ये परपेंडिकुलर है और ये एन है. तो अगर हम देखें ऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऑर्डिनेट इज द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एलिप्स, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एलिप्स टू द एक्सिस, on the ellipse to the axis such that it is perpendicular to the axis. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें PN is the ordinate of the ellipse, क्योंकि ये PN क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो हमने कोई पॉइंट P से एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है, एंड ये परपेंडिकुलर भी है, ये ऑर्डिनेट हो गया. अब हम अगर देखें डबल ऑर्डिनेट सो अगर हम ऑर्डिनेट को एक्सटेंड करते हैं, ऑर्डिनेट एक्सटेंडेड सच दैट इट टचेस एलिप्स एट अनदर पॉइंट. इसका मतलब जो पी एन है इसको हमने एक्सटेंड करके पी डैश तक लिया है, तो ये पी एन पी डैश जो है वो हमारा डबल ऑर्डिनेट हो गया. सो पी एन पी डैश इज डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, ये परपेंडिकुलर भी होता है और ये दो पॉइंट्स के बीच में हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों पॉइंट्स टच कर, वो दोनों पॉइंट्स एलिप्स पे लाई करती है. ठीक है, अब हम अगर देखें कोई एक लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू फोकस, ये परपेंडिकुलर भी है. हम मान लेते हैं दिस इज क्यू क्यू डैश. तो अगर हम देखें लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सो लेटेस्ट रेक्टम इट इज़ द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस. अब एलिप्स में दो फोकस होता है, तो डबल ऑर्डिनेट दोनों साइड हो सकता है. सॉरी लेटेस्ट रेक्टम ये एस डैश है हमारा माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो हम इसको आर और आर डैश ले सकते हैं. तो हमारे दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं. अब लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हमें पता है ये फोकस से पास करता है. इसका मतलब इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये ए ई होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी ए ई होगा, आर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ई होगा और आर डैश का होगा माइनस ए ई. अब हमें फाइंड करना है कि प्लस माइनस ए ई ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे. तो अगर हम देखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन है. तो इसमें अगर हम कोऑर्डिनेट्स रखें प्लस माइनस ए ई होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमें मिलेगा कि वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर. एंड हमें पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये जो वाई टर्म है वो हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ गया. तो ये पॉजिटिव सेक्शन में है तो ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ये पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर बाई ए और ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए. तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए लेटेस्ट रेक्टम के. तो अगर हम देखें लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स है प्लस माइनस ई ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए. अब हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालना है, तो लेंथ के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होता है. हम मान लेते हैं हम क्यू क्यू डैश का लेंथ निकाल रहे, वो सेम लेंथ होगी आर आर डैश की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है ए ए बी स्क्वायर बाई ए एंड ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए. तो इसका अगर लेंथ देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए ई माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी स्क्वायर बाई ए होल स्क्वायर.
तो ये हो जाएगा 2b² / a के इक्वल। तो ये हमारा लेंथ आ गया। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि ऑर्डिनेट क्या होता है, वो कोई पॉइंट जो इलिप्स पे लाई करता है उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन द एक्सिस तो उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर उसी ऑर्डिनेट को हम एक्सटेंड करके एलिप्स पे दूसरे पॉइंट पे अगर उसको कोइंसाइड करवाए तो वो डबल ऑर्डिनेट हो जाता है। लेटेस्ट रेक्टम होता है डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। फिर हमने लेटेस्ट रेक्टम, हमारे जो दो लेटेस्ट रेक्टम है दोनों, तो वो 4 पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। और उसके बाद हमने लेंथ निकाला कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² / a। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एलिप्स के दूसरे टर्म्स और उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे।